बीएमसी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। अब धूल फैलाने वालों पर बीएमसी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। G20 के पहले धूल फैलाने वालों पर, मुंबई में धूल फैलाने वालों पर बीएमसी शिकंजा कस सकती है। सख्त कार्रवाई की चेतावनी बीएमसी की तरफ से दी गई है। आपको बता दें, G20 की बैठक से पहले मुंबई में धूल से होने वाले प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए बीएमसी ने रविवार को प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी और उसे सख्ती से लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा कि अतिरिक्त नगर आयुक्त पश्चिमी उपनगर डॉक्टर संजीव कुमार की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति द्वारा समिति वायु हवा में धूल को नियंत्रित करने के उपायों पर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। शहर की हवा फिलहाल गति में बदलाव के कारण खराब है। विभिन्न जगहों पर चल रही 5000 से अधिक निर्माण परियोजनाओं से धूल के कण हवा में मिल रहे हैं। अगले सप्ताह पैनल की रिपोर्ट के बाद 1 अप्रैल से बीएमसी शहर की सिफारिशों को सख्ती से लागू कर सकती है, जिसमें डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। हो सके तो निर्माण परियोजनाओं कार्यों को रोका भी जा सकता है। समिति में पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित शीर्ष अधिकारी शामिल है। चहल ने 28 मार्च से मुंबई में होने वाली 3 दिवसीय G20 की बैठक तैयारियों और मुंबई में सौंदर्यकरण परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें सभी अतिरिक्त एमसी, डीएमसी, एएमसी और एचओडी मौजूद थे। मुंबई सौंदर्यकरण परियोजना पर दिसंबर 2022 में किए गए 500 कार्य पूरे होने वाले हैं और अन्य 320 कार्य पूरे हो गए हैं, जिसमें बिजली के खंभों, फुटपाथों आदि का सुधार शामिल है। और इन सभी को देखते हुए अब प्रदूषण नियंत्रण को काबू करने के लिए बीएमसी सख्त हो गई है और धूल फैलाने वालों पर बीएमसी कड़ी कार्रवाई कर सकती है और इसके लिए 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।